मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आप देख सकते हैं आज जो प्लांट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है और इस प्लांट का नाम है यूफोर्बिया लेक्टिया कैक्टस प्लांट। तो एक अजीबोगरीब दिखने वाला खूबसूरत सा ये प्लांट है और फुल कांटेदार है, ये चारों तरफ से इसके कांटे ही कांटे इसमें लगे हुए हैं। और आपके गार्डन में अगर सेंटर में आपने इसे रखा हुआ है तो एक अलग ही खूबसूरती पेश करता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है कि गार्डन में हमने ये कांटेदार कौन सा पौधा रख दिया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कैक्टस प्लांट, आप देख सकते हैं, और बहुत ही हार्डी प्लांट है, वेरी इजी टू ग्रो प्लांट है ये। एक बार आपको इसे प्लांट नर्सरी से लेकर आ जाना है, फिर घर पे रख कर अपने गार्डन में ऐड करके इसे भूल जाना है। आप इसे कभी पानी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, बस ये इतना हार्डी है कि ये चलता रहता है। इसको अगर आप हफ्ता 10 दिन भी पानी ना दें तो तब भी ये इजीली चलता रहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, रेगिस्तान में ये पाया जाता है और इसमें बहुत इजीली ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है। आप देख सकते हैं ये एक नीचे सुलम भी स्टिक आ रही है और अलग अलग इसके जो है पर की तरह अलग अलग ये निकले हुए हैं। तो इन सब को मैं काट कर अलग अलग एक पौधा बना सकता हूँ, मतलब 1, 2, 3 और नीचे 4, मतलब ये 4 को मैं अलग पीस करके एक मज़ीद 4 और कैक्टस इसके बन जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है ये आपके गार्डन में अगर आप इसे ऐड करते हैं। अगर आप कैक्टस को पसंद करते हैं तो यूफोर्बिया लेक्टिया कैक्टस प्लांट को भी अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करें। तो कैसा लगा ये मेरा कैक्टस का पौधा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो मुझे लाइक करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।